अस्सलाम वालेकुम मेरी खूबसूरत और प्यारी बहनों, ये जो इस टाइम आप प्रिंट देख रहे हैं ये कोट का प्रिंट है। कोट की पट्टी लगेगी आस्तीन के ऊपर। ये जो ऑरेंज कलर है ये आस्तीन है इनर की, जो कोट के अंदर पहना जाएगा। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये उस कोट का इनर हम बना रहे हैं ऑरेंज कलर का, क्योंकि कोट के प्रिंट पे ऑरेंज फूल हैं तो इसलिए ये कलर इसके ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगा। 2 इंच की आपने पट्टी लगानी है आस्तीन पे। बाकी अगर आप किसी और कलर पे कोट इनर बनाते हैं तो फिर उस हिसाब से कलर चॉइस कीजिएगा ताकि उस पर अच्छा लगे। हमें प्रिंट के हिसाब से मैच करना पड़ता है ताकि बनने के बाद खूबसूरत लगे। 6 इंच का आपने गोल गला काटना है। इसकी चौड़ाई भी 6 इंच हमने रखी है और गहराई भी 6 इंच आपको रखनी है। ज़्यादा बड़ा नहीं करना। अगर हैवी साइज़ है, लार्ज साइज़ है तो फिर आप 1/2 इंच इसका गला डीप ज़्यादा कर दिएगा ताकि गला ऊपर ना चढ़े। गला आपने इस तरीके से बना लेना है। इसके बाद हम इसके फ्रंट पे बंच ऐड करेंगे। पर्पल कलर का हमने इस पर बंच लगाया क्योंकि कोट का जो प्रिंट है उसके ऊपर भी पर्पल कलर के फूल हैं। बंच आपने इस तरीके से लगाना है। मशीन का जो पैर है उसको उठा के रखना है और फिर इस तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको लगाना है आउटलाइन पे। और इसमें जो हमने धागा इस्तेमाल किया है उसको फिश डोर कहते हैं। उससे फ़ायदा ये है कि वो एक तो टूटता नहीं इस तरीके से मशीन चलाने से, और दूसरा नज़र भी नहीं आता, ट्रांसपेरेंट होता है। इसके बाद बैक का गला आपने चौड़ाई जो है एक पैर की कम काटनी है ताकि आपके वहाँ पे फालिस लग जाए, और फालिस का जो कपड़ा है वो लचकदार रखना है ताकि ये राउंड शेप में सही बैठ जाए। इसके बाद आपने इसकी शोल्डर की मतलब कंधी की सिलाई लगा लेनी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके बाद आपने फालिस इस तरीके से पक्की कर लेनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी ना किसी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दामन आपने इसका इस तरीके से हेम कर लेना है। इसका दामन हमने इनर का सादा रखा है और बिल्कुल सिंपल है। आप घर में भी आराम से इसको बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। दामन हेम करने के बाद आपने जो इसकी आस्तीन है वो लगा देनी है। आस्तीन लगाने का भी बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप लगाएं तो बहुत जल्दी भी लगेगी और आसानी से भी लगेगी। न्यू आइडियाज फैशन से रिलेटेड और कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सकें। अगर आपने इसके कोड की वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा कि इसका हमने कोड किस तरीके से बनाया है और कैसा बनाया है। इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फाइनली पीस तैयार हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।